सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो शहर के मुख्य चौराहे पर भी चोरी की वारदात को आसानी से अंजाम दे डालते हैं। ताजा मामला सोनीपत के गीता भवन चौक से सामने आया है, जहां बीती देर रात एक चोर ने मेडिकल स्टोर की छत फांदते हुए स्टोर में दाखिल हुआ और फिर वहां से स्टोर में रखा कैश और एक मोबाइल फोन चुरा कर ले गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सोनीपत के गीता भवन चौक पर स्थित दवा की दुकान दुर्गा ड्रग एंड जनरल स्टोर की है, जहां पर एक चोर पहले छत से दुकान में दाखिल होता है, फिर सीढ़ियों में बने एक दरवाजे को तोड़कर दुकान से हजारों रुपए और मोबाइल फोन चुरा कर ले जाता है। ये मेडिकल स्टोर ऐसी जगह पर है जहां दिन और रात सोनीपत पुलिस की एक PCR मौजूद रहती है, लेकिन पुलिस को इस वारदात की कोई भनक तक नहीं लगी। जब सुबह दुकान मालिक ने दुकान खोली तो चोरी की वारदात का खुलासा हो सका। दुकान मालिक सतीश ने बताया कि एक चोर ने उनकी दुकान से कई हजार रुपए और एक मोबाइल फोन चुरा कर ले गया। इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे परिवार की दुकान गीता भवन पर दुर्गा ड्रगन जनरल स्टोर के नाम से है। इसमें आज की रात को छत दुकान की छत की ओर से खिड़की में से शीशा तोड़ के घुसे और दुकान की सीढ़ियों में लगे हुए एक लोहे के दरवाजे को तोड़ करके दुकान के अंदर आए हैं। एक ही चोर दिखाई देता है सीसीटीवी कैमरे में। उसने जहां गले में पैसे पड़े थे लगभग जो 5,000 के आसपास थे और एक मोबाइल और कुछ मोबाइल के चार्जर पड़े हुए थे वो उठा करके ले गए हैं, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी। गीता कॉलोनी की तरफ एक दुर्गा में मेडिकल स्टोर है, इसमें छत के ऊपर से एक नाम पता नाम वालों व्यक्ति ने अंदर घुसकर 5,000 रुपये नगद व एक मोबाइल जियो और दो मोबाइल चार्जर चोरी किए हैं। फिलहाल देखभाल की जा रही है, जैसे ही दरखास्त देंगे अभी मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, तसल्ली करके फुटेज की मदद लेके आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।